उत्तर प्रदेश में अपराधी बेखौफ होते जा रहे हैं। कानपुर और गोंडा में अपहरण की घटना के बाद खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शहर गोरखपुर में एक बच्चे के अपहरण के बाद हत्या कर दी गई। गोरखपुर के जंगल छत्रधारी के मिश्रौलिया के घर में मातम पसरा हुआ है। इस घर का इकलौता चिराग हमेशा के लिए बुझ गया। बलराम की माँ और बहनों के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। वे अब अपने इकलौते भाई को कभी राखी नहीं बांध पाएंगी, क्योंकि उनका भाई चंद रुपए के लालच में अपहरण करने वालों के हाथों मार दिया गया। पांचवी कक्षा में पढ़ने वाले 14 साल के मासूम बलराम की गला दबाकर अपहरणकर्ताओं ने निर्मम हत्या कर दी। अपहरणकर्ताओं ने परिजनों से 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी और रुपए नहीं देने पर बच्चे को जान से मार देने की धमकी भी दी थी। बच्चे के अपहरण की सूचना मिलते ही पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम अपहरणकर्ताओं की तलाश में जुट गई। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन वो मासूम की जान नहीं बचा पाए। एसपी ने बताया कि अपहरणकर्ताओं को ये शक था कि पहचान होने के कारण वे पकड़ में आ सकते हैं। यही वजह रही कि बच्चे को मौत के घाट उतार दिया गया। और डायल 112 पर उसके पेरेंट्स ने जो है लगभग शाम को 4:30 बजे के बाद उन्होंने बताया कि हमारा बच्चा जो है गुम है और हमें एक कॉल आई है कि जिसमें पैसे की डिमांड की गई है, और इनके जो पिताजी हैं उन्होंने तुरंत ही FIR दी और पुलिस ने तत्काल FIR दर्ज करी और अपहरण का मुकदमा तुरंत दर्ज करके पुलिस हरकत में आई। और हमने इसमें पूरी तरह से तेज़ी से काम करते हुए क्राइम ब्रांच को लगाया। ये कल शाम को लगभग 5 बजे के बाद पुलिस को, लोकल पुलिस को इत्तला हुई और इसमें तुरंत ही पुलिस ने लोकल पुलिस की कई 3 टीमें लगभग लगाई, क्राइम ब्रांच की भी हमारी 3 टीमें और साथ ही साथ STF का भी सहयोग लेते हुए हम लोगों ने रात में ही जो है जिस नंबर से कॉल आई थी उन नंबरों को लगातार मॉनिटरिंग करते हुए और कॉल डिटेल के आधार पर बंदों को उठाया, जिसने सिम बेचा उसको भी उठाया, जिसको उससे फिर धीरे धीरे पता करते हुए और कॉल डिटेल के एनालिसिस के बाद हमें दयानंद नाम के एक व्यक्ति का पता चला, और जिसके उठाने के बाद उस बंदे से पूछताछ में जो है बाकी वो लोगों के भी नाम सामने आए और उस दयानंद नाम के व्यक्ति की ही शिनाख्त में हमें जो है दयानंद ने शिनाख्त कराई कि फलानी जगह पर जो है उस बच्चे को हमने मार करके फेंका है। और प्रथम दृष्टया इसमें यही सामने आया है कि ये सभी नवयुवक जो आसपास के ही रहने वाले उसी मिश्रौलिया और जंगल दूषण नाम का क्षेत्र है थाना पिपराइच में, वहाँ के रहने वाले इन लोगों ने फिरौती की रकम के लिए थोड़ी बहुत पैसे कमाने के चक्कर में, और इनको फिर बाद में लगा कि बच्चा इनको पहचानता है क्योंकि बच्चा लोकल ही था 14 साल का, और इसी वजह से कि इनकी पहचान छुपाने की घर से जो है इसकी हत्या करके बोरे में लाश डाल करके वहीं पास में ही केवटिया नाला है, आप सभी वहां देख सकते हैं, और वहां पर इन्होंने कल शाम को ही अंधेरे में जा करके वो लाश वहां पर डाल दी। वहीं CM योगी अपहृत बच्चे की हत्या पर दुख जताया और मामले में अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने मामले की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई के आदेश दिए हैं ताकि अपराधियों को जल्द से जल्द सजा मिल सके। साथ ही पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया गया। उधर इस घटना को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने UP के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमला बोला। प्रियंका ने ट्वीट कर सवाल किया है कि क्या यूपी के मुखिया ने खबरें देखना छोड़ दिया है, क्या गृह विभाग में बैठे लोगों के सामने ये खबरें नहीं जाती। गौरतलब है कि प्रदेश में अपहरण के बाद हत्या की ये दूसरी वारदात है। इससे पहले कानपुर में भी अपहरणकर्ताओं ने एक लैब टेक्नीशियन के अपहरण के बाद हत्या कर दी थी। पंजाब केसरी TV के लिए गोरखपुर से रुद्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट।